एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हमने करना है आज 2 ओवर x की पावर 4। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो इसके हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इस फंक्शन को y के इक्वल रखना होता है। लेट y इक्वल्स टू दिस 2 ओवर x की पावर 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 x की पावर -4। इसकी पावर पर जाके माइनस हो जाएगी। स्टेप टू क्या है, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ हमें डेल ऑफ y ऐड करना है, और जहाँ x होगा वहाँ हमें डेल ऑफ x ऐड करना होगा। स्टेप टू, y प्लस डेल ऑफ y इक्वल्स टू 2 x प्लस डेल ऑफ x पावर -4। अब हमें चेंज फाइंड करना है तो y को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। 2 x प्लस डेल ऑफ x माइनस 4 माइनस y, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है 2 x की पावर -4। 2 x प्लस डेल ऑफ x पावर -4 माइनस 2 x की पावर -4, ये आ जाएगा डेल ऑफ y। अब हमें स्टेप 3 पे जाने से पहले इसको देखना है कि कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव आ रही हो और 2 से ग्रेटर हो तो हमें यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होता है। बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। 2 x अगर कॉमन लेते हैं तो इसकी पावर में क्या है, -4 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर x नहीं था तो ये यहाँ पर आगे से डिवाइड हो जाएगा, -4 -2 x की पावर -4। अब इन दोनों स्टेप्स में 2 x की पावर -4 कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2 x -4 ये आ जाएगा 1 प्लस डेल ऑफ x बाय x माइनस 4 माइनस, ये पूरा बाहर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें इस पोर्शन पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होगा। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। ये क्या होता है, 1 प्लस x पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx। और ये कब अप्लाई होता है, जब पावर नेगेटिव आ रही हो और 2 से ग्रेटर हो। 1 प्लस nx प्लस n n-1 x² over 2 factorial so on। अब हमें इसको, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 है और ये हमारे पास x होगा और ये पावर हमारे पास n होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डेल ऑफ y 2 x की पावर -4। इसको ओपन करेंगे फार्मूले को तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस n हमारे पास है -4 और x हमारे पास क्या है, डेल ऑफ x बाय x प्लस n है -4 -4 -1 over 2 factorial और x है डेल ऑफ x बाय x का स्क्वायर सो ऑन। अब हमने देखना है इसको हमने कैसे कितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर साथ क्या है, ये हमने फार्मूला खोला और साथ माइनस वन इसके साथ आ रहा है। अभी माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो इसके ये आपस में कट जाएंगे, हमें बस ये वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 2 x की पावर -4। ये आ जाएगा -4 डेल ऑफ x बाई एक्स प्लस ये आ जाएगा -4 -4 -1 -5 डेल ऑफ एक्स बाई एक्स का स्क्वायर ओवर 2 factorial एंड सो ऑन। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है, -4 भी इसमें भी है, इसमें भी है, और डेल ऑफ एक्स बाई एक्स यहाँ और यहाँ दोनों में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं इसको। ये बन जाएगा 2 x माइनस 4। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम करेंगे, उसके बाद स्टेप 3 पे जाएंगे। -4 कॉमन आएगा और डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस ये हमारे पास बाहर चला गया, यहाँ रह गया -5 और ये 2 हैं स्क्वायर इसका, एक बाहर चला गया, एक रह जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स ओवर 2 फिक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे इसका स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि हमें
डिवाइड करना है डेल ऑफ एक्स से बोथ साइड्स पे। तो ये हमारे पास बनता है डेल ऑफ वाई इक्वल्स टू टू एक्स की पावर माइनस फोर डेल ऑफ एक्स ओवर एक्स वन प्लस माइनस फाइव डेल ऑफ एक्स ओवर टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। डेल ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं डेल ऑफ वाई ओवर डेल ऑफ एक्स है ये, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर को हम स्टार्ट में लिख देते हैं माइनस फोर, माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एट, एक्स की पावर माइनस फोर है और ये एक्स है तो इसको एक्स इसके नीचे लिख देते हैं और ये डेल ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी डेल ऑफ एक्स से डिवाइड करना है राइट साइड पर भी और ये बाकी स्टेटमेंट ऐसे माइनस फाइव डेल ऑफ एक्स ओवर टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये से कट जाएगा यहाँ पे रह जाएगा माइनस एट, ये नीचे आके तो क्या हो जाएगा नीचे एक्स वन है ये नीचे आके प्लस फोर हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास वन प्लस माइनस फाइव डेल ऑफ एक्स एंड सो ऑन ओवर टू फैक्टोरियल। हम इसको मज़े सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये प्लस हो जाएगा माइनस एट ओवर एक्स की पावर फाइव बस बाकी सेम है। अब स्टेप फोर जो इसका लास्ट स्टेप है कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है, इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं स्टेप फोर, डेल ऑफ वाई बाय डेल ऑफ एक्स है। स्टेप फोर हमारे पास है अप्लाइंग लिमिट, ऑन बोथ साइड्स लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल ऑफ वाई ओवर डेल ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एट बाय एक्स की फाइव वन प्लस माइनस फाइव डेल ऑफ एक्स ओवर एक्स एंड सो ऑन ओवर टू फैक्टोरियल। अच्छा अब यहाँ पे हमें ये तो लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है ये हमारे पास साइड पे आ जाएगी एक्स की पावर फाइव, हम यहाँ पे डेल ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पे देखते हैं वन प्लस, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम जीरो पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी वन प्लस जीरो कर देते हैं। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एट बाय एक्स की पावर फाइव डी वाई बाय डी एक्स या डी एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसको हम कुछ भी कह सकते, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया।